साल 1995 में प्रिंसेस डायना का इंटरव्यू लेने के लिए बीबीसी पत्रकार मार्टिन बशीर ने झूठ बोला। बीबीसी पत्रकार मार्टिन बशीर ने डायना को अपने फर्जी बैंक स्टेटमेंट दिखाकर कहा था कि आप पर नजर रखने के लिए मुझे पैसे दिए जा रहे हैं। बीबीसी पत्रकार मार्टिन बशीर ने प्रिंसेस डायना के भाई को भी फर्जी पेपर दिखाए। इस इंटरव्यू में प्रिंसेस डायना ने तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स के साथ अपने रिश्तों पर बात की थी। धोखे से इंटरव्यू लेने के इस मामले की जांच रिटायर्ड ब्रिटिश जज लॉर्ड जॉनसन ने की और अपने फैसले में जज ने कहा कि बीबीसी पत्र मार्टिन बशीर ने पत्रकार मार्टिन बशीर ने डायना को इंटरव्यू लेने के लिए उनके साथ छल किया, डायना का भरोसा हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज दिखाए। बीबीसी ने मामले की जांच की तो लेकिन जांच में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती। इस मामले में बीबीसी महानिदेशक टिम डेवी को माफी मांगनी पड़ी थी। प्रिंसेस डायना के बेटे विलियम और हैरी ये बात कई बार कह चुके हैं कि 95 के इंटरव्यू के उस इंटरव्यू के बाद ही प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स के रिश्तों में खटास शुरू हो गई। यह तरीका इन लोगों ने अपनाया और आज दूसरों को बताते हैं कि जर्नलिज्म क्या होता है और ऐसे लोगों के साथ देश का विपक्ष खड़ा हो रहा है। और यह बीबीसी का विवादित ट्रैक रिकॉर्ड आज का नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी आज मोदी विरोध में बीबीसी के साथ खड़ी हो गई उसे याद